और अब वो खबर जिसकी वजह से पूरी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा, पूरी कोशिश हो रही है कि ये मामला जल्द से जल्द सुलझ सके। कल देर रात तक बैठकों का सिलसिला भी चलता रहा। बार काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों से अलग अलग मिलता रहा और अब उम्मीद की जा रही है कि आज मामला सुलझ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जज ने चीफ जस्टिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए थे तो पूरे देश में ये बहस तेज हो गई थी कि ये विवाद सुलझेगा कैसे। शिकायतों का पिटारा खुला तो खुलता ही चला गया। Since all of our efforts failed, even this morning on a particular issue, four of us went and met the Honorable the Chief Justice of India with a specific request, which we could not unfortunately convince him that we were right and the appropriate decision is to be taken. We couldn't convince him. Therefore, we were left with no choice except to communicate it to the nation that please take care of the institution and take care of the nation. उसके बाद कोशिशें तेज हो गईं कि नई सूरत में क्या किया जाए, कैसे मामला शांत कराया जाए। पूछा जाने लगा कि क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी, क्या राष्ट्रपति विवाद सुलझाएंगे, लेकिन सामने आया बार काउंसिल। मुख्य न्यायाधीश जी से हमारी वार्ता हुई, बहुत कंजेनियल एटमॉस्फेयर में वार्ता हुई और जो भी मुद्दे हैं उनका हल निकल जाएगा। रविवार को दिन भर बार काउंसिल का प्रतिनिधि मंडल नाराज जजों के घर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर घूमता रहा ताकि विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि आज सारे विवादों का समाधान हो जाएगा। जस्टिस चंद्रेश्वर से हुई क्या, जिनसे भी बात हुई हमारी, सबने ये आश्वस्त किया हमें कि वो चाहे जस्टिस चलमेश्वर हो, ऑनरेबल जस्टिस कुरियन जोसेफ हो, मदन लोकुर साहब से भी हम लोग की वार्ता हुई, सबने कहा कि वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। बार काउंसिल कह रही है कि सारा समाधान निकल जाएगा, जो भी नाराजगी है सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल है कि कैसे। क्या केस के आवंटन पर जो सवाल उठाया गया है उसके नियम में बदलाव होगा? उम्मीद है आज सारे सवालों के जवाब देश के सामने होंगे। मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली।